कैसा लगता है जब आपने अपने देश, अपने घर और खुद के लिए जो सपने देखे हों उन्हें पूरा करने का आपको मौका ही ना मिले? कैसा लगता है जब आप दिवाली के बाद पुराने कपड़ों से भरा बैग घर से लेकर निकलते हैं ये सोचकर कि अगली बार घर में कदम तभी रखूंगा जब एक नौकरी होगी? कैसा लगता है जब नाते रिश्तेदार और मोहल्ले वाले आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, इस बार तो नौकरी ले ही लोगे इंस्पेक्टर साहब? कैसा लगता है जब आप मुखर्जी नगर लक्ष्मी नगर के अलमारी नुमा कमरों में अपनी रातों को जला रहे होते हैं और इसी दौरान आपकी क्लास में आपसे फिसड्डी बच्चे जो आपकी उत्तरों की नकल करके पास होते थे वो युवा नेता बन चुके हैं? कैसा लगता है जब आप जिंदगी के शायद सबसे अहम 3-4 साल सिर्फ उन सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशंस आने का इंतजार करते हुए निकाल देते हैं जिसका सपना सिर्फ आपका सपना नहीं आपके उम्र दराज होते माता पिता का भी सपना है? कैसा लगता है जब आपको कलम का मन हो और सरकार का अड़ियल रवैया आपको आंदोलन की मशाल उठाने पर मजबूर कर दे और उस मशाल को भी कोई छुटवैया अपने राजनीतिक हित में यूज कर दे? नमस्कार, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज यही सवाल करोड़ों बेरोजगार युवा खुद से, आपसे, अपनी सरकार से पूछ रहे हैं, सिर्फ इस आस में कि कम से कम उन्हें मौका दिया जाए। वो नहीं मांग रहे कोई फेवर और ना ही भीख। 3 दिन बाद आज फिर से युवा ट्विटर पर अपनी सरकार से इसका हिसाब मांगने आए। देश दुनिया में आज फिर हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, हैशटैग RRB एग्जाम डेट ट्रेंड हुआ। देश भर के छात्रों ने शांतिपूर्ण डिजिटल आंदोलन करते हुए RRB एग्जाम की तारीख घोषित करने की अपील सरकारी हुक्मनामों से की। जब TFP न्यूज ने इस मुद्दे की तहकीकात करते हुए कुछ छात्रों से बात की तो पता चला कि समस्या सिर्फ एक एग्जाम में नहीं बल्कि पूरे तंत्र में ही एक तरह की मक्कारी है। आप अपनी कानों से खुद सुनिए। आज से लगभग 2 साल पहले मैंने RRB NTPC का फॉर्म भरा था जिसकी अभी तक प्री भी कोई एग्जाम डेट नहीं आई है। कह देते हैं कि 2 मंथ बाद आएगी, 3 मंथ बाद आएगी, लेकिन आज तक उसकी कोई डेट नहीं आई है। और अब हमने उम्मीद भी छोड़ दिया कि आपकी एग्जाम डेट आएगी या नहीं। मैं पिछले 2 साल से रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ जब से मैंने फॉर्म अप्लाई किया है। बस के बस तैयारी किए जा रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम कब होगा। मैं पिछले कई वर्षों से SSC की तैयारी कर रहा हूँ। SSC के पुराने रिजल्ट रुके पड़े हैं। SSC की 2019 की परीक्षा हुई है, 2020 की परीक्षा कब होगी ये नहीं पता। ठीक है, SSC सिर्फ टेंटेटिव डेट देता है, SSC का आगे कोई भरोसा नहीं है कि एग्जाम खड़ा है ना। हाल की समस्या और आंदोलन की मूल बातों पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने रेलवे की विभिन्न पदों के लिए कोई 62,000 वैकेंसी निकाली और आंकड़ों की माने तो लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए। OBC जनरल वर्ग के हर फॉर्म की कीमत 500 रुपये थी और SC ST समाज की फीस लगभग 100। इस आधार पर अगर आधों को भी SC ST वर्ग का हिस्सा मान लिया जाए तब भी बोर्ड लगभग 3-4 अरब रुपए इससे इकट्ठे कर चुका है। समस्या इस बात में भी नहीं, समस्या ये है कि 2019 से आज तक ना तो सरकार ने एग्जाम की तारीख घोषित की ना उम्र दराज होते छात्रों की कोई सुध ही ली है। इसके अलावा भी SSC AB ग्रेड एग्जाम्स में बहुत बड़ी खामियां और घोटाले निकल कर आई। 22-23 साल का कोई छात्र जब अपने सबसे कीमती साल इस परीक्षा को देता है तो वह सरकार से ये मांगता है कि आप बस परीक्षा समय से और पूरी निष्पक्षता से करा दें, पर आज की सरकारें इन दोनों में ही विफल हैं। SSC का साल 2017 में आयोजित एग्जाम, उसके दूसरे चरण यानी Tier 2 के पेपर लीक होने की खबर किससे छिपी है? छात्रों का दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन किसे याद नहीं? उसके बाद भी क्या हुआ? सरकार ने CBI इंक्वायरी की और पुराने चेयरमैन को बदल दिया, पर व्यवस्था नहीं बदली। 2017 के एग्जाम का रिजल्ट 2020 में आया, फिर साल 2018 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। 2018 का SSC CGL 2019 में हुआ जिसका फाइनल रिजल्ट आज तक नहीं आ पाया। 2019 वाला एग्जाम 2020 मार्च में कराया गया जिसका अगला चरण नवंबर में बताया जा रहा है। साथ ही छात्रों ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने फिस्कल कंसोलिडेशन और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के नाम पर इन्हें आधा कर दिया। मोदी सरकार से पहले SSC रिक्तियों की संख्या 15,000 तक होती थी जो अब सिर्फ 7-8,000 बची है। रिक्तियों के मामले में कुछ ऐसी ही समस्या UPSC यानी IAS IPS वाली परीक्षा में भी होती है। हालांकि इस UPSC में प्रक्रिया को लेकर सख्ती बरती जाती है लेकिन यहां भी रिक्तियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।
2014 के मुकाबले भर्तियां 40% तक कम हो चुकी, जबकि साल 2019 में इन मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया था कि देश में 1500 से अधिक आईएएस अधिकारियों की कमी है। दूसरी तरफ इस परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी भाषा के भेदभाव की खबरें आती रहीं, जिसका प्रमाण पिछले वर्षों के रिजल्ट्स में दिखता है। हर वर्ष हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में सिर्फ 5-6% छात्र ही एग्ज़ाम पास कर पाते हैं, वो भी मम स्किल टॉप 400 में से 2-3। सरकारी नौकरियों की ये समस्या सिर्फ केंद्रीय नौकरियों में नहीं है, बल्कि राज्यों के चयन आयोग और राज्य के विभागों में केंद्र से भी अधिक ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है। उत्तराखंड और हरियाणा राज्य में पिछले 5 वर्षों में 1 बार PCS परीक्षा आयोजित की गई है। वहीं राजस्थान में अन्य राज्य के लोगों का नाम देखते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये बस उदाहरण थे, दरअसल ऐसी समस्या लगभग हर राज्य की है। आज बेरोजगारी अपने चरम पर है और सरकार अब कोरोना के पीछे अपनी हर नाकामयाबी को छुपाने में लगी है। पर इस बार देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र सरकारों को चारों ओर से घेर रहे हैं। शायद ये अपरिपक्व डिजिटल भारत का पहला परिपक्व डिजिटल आंदोलन बने, जिस देश का चुनाव आयोग 90 करोड़ लोगों का समय पर चुनाव करा सकता है, नक्कारों को तय समय पर सांसद बना सकता है। आखिर उसी देश में कोई मेहनती राहुल तय समय पर एग्जाम कराने वाला संस्थान क्यों नहीं पा सकता? इसका जवाब किसी और को नहीं बल्कि इसी बेरोजगार युवा के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, जिससे वो बेरोजगार युवा अपने उम्रदराज माता पिता को एग्जाम की एक तारीख बता उनके मायूस चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकें। आज की बड़ी खबर में इतना ही। TFP न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक ज़रूर करिएगा। राम राम जी।